हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना ब्लॉग एंड टिप्स में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हुए अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, आप देख रहे हैं हल्दी की रस्म, ये हो रही है शादी से दो दिन पहले की हल्दी की रस्म। और हल्दी के एक दिन बाद होती है मेहंदी। तो आज रात हम करेंगे मेहंदी और मैं कल आपको वीडियो दिखाऊंगी। तो अभी आप एंजॉय करिए ये हल्दी की रस्म किस तरह से होती है। देखिए, सब लोगों ने येलो कलर के हल्दी के कलर के कपड़े पहने हुए हैं और ये लड़की है जिसकी हल्दी चढ़ रही है। तो आप लोग एंजॉय करिए यूपी की शादी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, लाइक करें, शेयर करें। मैं याद दिला देती हूँ बार बार आपको। तो हल्दी लग रही है, उस साइड में गीत गा रहे हैं, गाने वाने हो रहे हैं और डांस के प्रोग्राम भी होंगे। तो आप सभी इन सभी प्रोग्राम्स का आप एंजॉय करिए, आनंद लीजिए। और मैं दिखाती हूँ आपको पूरी रस्म। काजल की रस्म होगी, काजल लगाया जाएगा लड़की को। Thank you.
और जिस तरह से पंडित जी निकालते हैं पांच के लिए, जैसे तीन या पांच निकलते हैं, आठ निकलते हैं, तो इनके पांच निकले थे, तो पांच तेल चढ़ने के बाद अब ये उतार रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक की साइड मतलब करते हैं, और उस तरीके से फिर तेल उतारना बोला जाता है इस रस्म को, और लास्ट में एक बार जो है तेल उतारे जाते हैं। उतनी ही लेडीज वो बनी हुई हैं जिनके धागा बंधा हुआ है वो सब तेल उतारेंगी, और उसके बाद ये हो जाती है रस्म पूरी, और फिर रात को होती है मेहंदी की रस्म। इसी वीडियो में आपको अगले दिन ज़्यादा बड़ी ना हो वो आपको अगले राउंड में आएगी। वैसे तो हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के रहते हैं, तो उस तरीके से रिवाज भी सबके अलग अलग होते हैं, और दूरी के हिसाब से भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रिवाज चेंज हो जाते हैं। तो मैं ये यूपी की शादी आपको दिखा रही हूँ, और पूर्वी यूपी पूर्व साइड से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रस्में होती हैं, तो आप शादी का एंजॉय जरूर करिएगा। तो गाइस आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय करी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी, बस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।